अरे आराम से ज्यादा आगे आगे क्या बनी अपन? देखो हमने मनी को पूछो, मनी को क्या पता? नहीं हमने पहली बोल यार, ये तुम्हारे भरोसे पे आगे लेके जा रहे हैं। अरे रास्ता है, गाड़ी जा रही है यार। कहाँ गाड़ी जा रही है? चाह नहीं रही है गाड़ी, ये तो ले जा रहे हो इसलिए जा रही है। अरे रास्ता बनी है कि नहीं बनी है? अबे देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, गाड़ी जाएगी क्या आगे? नहीं ना, घुमा लो इंचो भैया। डॉक्टर साहब ऐसी जगह लेकर आ गए, गाड़ी इसके आगे जाएगी नहीं, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करा दिया। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग छतरपुर मध्य प्रदेश में ही हैं, और कुछ देर पहले हमने अपना कोविड टेस्ट कराया। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कोविड टेस्ट हमने करा लिया था, उसकी रिपोर्ट हमें आज शाम तक मिल जाएगी। और अभी हम छतरपुर मध्य प्रदेश में ही हैं, तो हमने सोचा कि जो आसपास की जगह है उसे एक्सप्लोर किया जाए, देखा जाए। तो यहाँ से अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं जटाशंकर की तरफ, जो कि यहाँ से 54 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो पहाड़ों और जंगलों के बीच में बना हुआ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ से चारों तरफ सीनिक व्यूज दिखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और जैसा कि हमने खीर गंगा में देखा था हॉट वाटर स्प्रिंग, वैसा वहाँ पर भी कुंड है एक पानी का, जिसपे गर्म पानी आता है, और दो कुंडे, एक में ठंडा पानी आता है, एक में गर्म पानी आता है, है ना? ऐसे कुछ होता है? नहीं, एक्चुअली वहाँ तीन कुंड है। तीन है? तीन कुंड है। उसकी स्पेशलिटी है कि वो वेदर के जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब ठंडियों में जो रहता है वो गर्म पानी रहता है और गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। अच्छा, ऐसा होता है। जब हम लोग पहले आया करते थे तो रोड की हालत बहुत खराब थी यहाँ पे, लेकिन अभी देखो रोड एकदम बटर हो चुकी है, मक्खन वाली रोड है। मक्खन यहाँ से लेकर मुंबई तक तुम्हें ऐसी रोड मिलेगी एकदम, मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ से नागपुर जाने में केवल 10 घंटे लगते हैं, 8 से 10 घंटे बस। अच्छा, जो कि करीबन 800-900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है पूरा। यहाँ से बिजावर, बिजावर से जटाशंकर, मतलब सिंगल रोड है क्योंकि गाँव के अंदर की रोड है। पूरा फॉरेस्ट एरिया लगता है, ये आपका पटना टाइगर रिजॉर्ट में यहाँ तक आता है पूरा। अच्छा। यहाँ आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, हाँ। इससे फर्नीचर बनता है, सागौन के पेड़ है, जो सागौन की फर्नीचर बनता है ना, सबसे बेस्ट फर्नीचर होता है। अच्छा। पूरे सागौन का वो है जंगल, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई होता है, बहुत ही महंगी लकड़ी होती है, सबसे महंगी लकड़ी है ये सागौन, सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा होता है। और बेसिकली ये इसकी लाइफ इतनी होती है कि मतलब कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, आपका दरवाजा नहीं टूटेगा। अच्छा, और पुराने जमाने में इसके पूरे घर बनते थे ना, इनमें घुल लगती है ना दीमक लगती है, ये सब कुछ। अभी घाट आएगा ना आगे? हाँ, ये घाट चालू हो गया। महाराष्ट्र में आप जैसे एंटर करते ना, वहाँ के घाट जो भी हैं वो वन वे बने हुए हैं, तो ये है घाट पे अगर आप चलाओगे तो ड्राइव बहुत कंफर्टेबल ड्राइव होती है। ये वाले जो घाट है ना, एमपी के जितने भी घाट हैं, पतली सी रोड होती है, वो सामने से गाड़ियाँ भी आती हैं, इस तरफ से आपको लेके जाना पड़ता है, तो ये घाट के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। गाड़ी लेकिन बड़ी सावधानी से चलानी पड़ती है यहाँ पे, क्योंकि वन वे वाले घाट नहीं होते हैं यहाँ पे, सीधे खड़े घाट, खड़े घाट हैं ये। सबसे पहले घाट पे जो ड्राइव करी थी ना मैंने, यहीं पे आके करी थी, याद है तुमको? मारुति 800 ली थी भाई ने, और मैं कानपुर से लेकर आया था 800 इनको देने के लिए, तब इन रोडों पर आया था मैं, और फिर पन्ना घाटी में गए थे, और पन्ना की घाटियों पर गाड़ी चलाई थी मैंने पहली बार, तूफान आ गया था। और तुमको पता है वेस्ट पार्ट, जब तुमने पूछा था ना कि तुम गाड़ी चला लोगे रात में, तब डॉक्टर साहब गाड़ी सीख रहे थे चलाना, मैं सीख चुका था, तो मैं ही लेकर गया था, हम लोग गए थे पन्ना घूमने के लिए, तो डॉक्टर साहब रात में बोलते हैं रात में निकलते हैं और रात में चला लोगे, मैंने कहा हाँ, मेरी आंखें कमजोर थी, मैंने उसमें बताया नहीं था किसी को, मतलब मैं चश्मा नहीं लगाता था तब, मैं दिखता नहीं था नजर वाला, तो रात में जैसे लाइट पड़ती थी ना आंखों में, तो मेरे को दिखाई नहीं देता था कुछ। हाँ। मुझे लगा कि यार मैं बोलूंगा कि मतलब नहीं निकलना रात में, मुझे दिखता नहीं तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, शाम को कहते, और मैं मन ही मन बोला था कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाई रात में सब लोग रुक जाए, सुबह निकलते जब रोशनी आ जाएगी, पर मैं लेकर आ गया था सबको, पूरी फैमिली को, और सबको लग रहा था कि बहुत बढ़िया ड्राइवर है ये, और तूफान भी आता। हाँ, तूफान उफान आ गया था वहाँ पे। चलो भाई, जटाशंकर पहुँच गया। ये जटाशंकर का मंदिर है, मेन गेट है, यहाँ से उतर कर हमें नीचे जाना है, सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इस तरह से लाइन से दुकानें हैं जहाँ से प्रसाद वगैरह भी आप ले सकते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह भी ले लेते हैं मंदिर आए हैं तो। जय शिव शंभु। देखा जाए तो पूरा जंगल ही है, जंगल है, जंगल के बीच में बना हुआ है ये, तो अब आदमी आने लगा जंगल ही है ये, फॉरेस्ट एरिया लगता है विंध्याचल का। पंडित जी
कुछ यहाँ के बारे में जानकारी देंगे? अभी तक तो जो है भोलेनाथ का सिद्ध स्थान है, मान्यता बहुत है। मान्यता तो इतनी है कि जो भी जो जितने दिल से आता है भोलेनाथ उसकी तत्काल विनती सुनती है, सिद्ध स्थान है। और ये कम से कम अभी तो ये 25 साल से आम जनताओं के बीच में आया है। अच्छा। कि ये एक जटाशंकर धाम भी है और भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो शिवलिंग अपने आप निकली भई है, उन्हीं का नाम जटाशंकर जलता है। जटाओं के ऐसा उनका सिर रूप है, जैसे भोलेनाथ जटाएं बांधे हों ऐसी उनकी वो प्रतिमा वैसी। हाँ, अपने आप प्रकट मूर्ति, उन्हीं का नाम जटाशंकर चलता है। तो वो इतनी मूर्ति है कि बाद बिल्कुल ऐसे बड़ा भाई पहाड़ में ऐसे विलीन हो गई नीचे। अच्छा अच्छा। यहाँ जो ये मैदान सा दिख रहा है तो यहाँ ईंटें भरी पतली वाली, वो ईंटों से पूरा मंदिर बना है एक पाया पे। अच्छा। आप देखना तो एक पाया पे पूरा मंदिर ऐसा चिपका हुआ है। अच्छा अच्छा। जो तीन धाराएं हैं भी तो अभी लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, जो कुंड है वो भी बंद है और तीनों कुंडों में जल अलग अलग है। और जो भी जैसे वहाँ का जल है कोष्ठ वगैरह रोग कोई भी रोग है और जो श्रद्धा से आते हैं उसका तो और जल्दी से जल्दी ठीक होता है। अच्छा, मतलब चर्म रोग किसी तरह का स्किन का जो भी प्रॉब्लम होगा वो अच्छा ही हो जाता है, सब होता है। अब तो कुछ नहीं है, तो पहले इस टाइम पे रीछ भालू तिंदुआ इतना राव करते हैं। अच्छा। आज भी रहती है इसकी आगे भी, इसकी जो आप रोड से आए के पीछे देखे आपने कितना जंगल कितना कटार घचा है। एक मोनासैया स्थान है इधर से, वो भी वो पूरा पहाड़ के नीचे है। यहाँ ये विंध्याचल घाटी है जी, ये विंध्याचल घाटी में एक से एक वो बनी गुफाएं और ये सिद्ध स्थान है, यहाँ पर बड़ी सिद्ध रहती है और सिद्धों की शक्ति से जी इतने भक्ति चल रही है और उन्हीं के पुण्य प्रताप से सबको वरदान मिल रहा है। बोले जटाशंकर भगवान की जय हो। पंडित जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरिशंकर पुजारी। हरिशंकर जी जटाशंकर के मुख्य पुजारी हैं। अच्छा। चलिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अबे बंदर देखो तो उधर देखो मत, उनको ऐसा फील कराओ कि वो मतलब नॉर्मल जैसे जानवर होते ना कुत्ते उत्ते वैसे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराओगे ना देखो। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो एक चीज़ से बिल्कुल सावधान रहना, वो है बंदर। आप जो प्रसाद लेकर आते हो ना उस पर झपट्टा मारते हैं, तो बच के रहना। अरे 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 क्या हो गया, कौन मार रहा था आपको बताओ? मैं इसका नाम भी रखा आपने, चमेली नाम है इसका। चमेली और बच्चा भी है उसका नाम बजरंगी है। बजरंगी और क्या क्या बात है। चलो बड़ो चलो चलो उठो चलो। जटाशंकर मंदिर का ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर पंडित जी ने बताया कि ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है ऐसा बोला जाता है। और उसके ठीक बगल में ये कुंड है, अलग अलग टेम्परेचर का पानी इन कुंड में आता रहता है, गर्म ठंडा वार्म। तो ये यहाँ पर अभी बंद किया हुआ है कोविड की वजह से। और वो है वो आप देख रहे हो सामने, वहाँ पर सामने गौमुख बना हुआ है, पहाड़ों से कहीं से पानी आता है, ये इसका सोर्स है। मोनासैया के लिए ऊपर आना पड़ेगा फिर। हाँ, 3 किलोमीटर अंदर। एक्चुअली में मोनासैया और ये है, ये जो बाबा नागा साधु होते हैं ना, जो समाधि लेते हैं साधना करते हैं, उनके लिए वो गुफाएं थी। अब आदमियों ने ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे भी अपना पिकनिक स्पॉट बना डाला, जबकि अच्छा। वहाँ पे केवल साधु लोग रहते थे और सिर्फ साधना करते थे। तो हमें इतने साधु दिखते हैं लेकिन ये गायब हो जाते हैं ना, तो कहते साधु कहाँ चले जाते हैं। तो इन्हीं गुफाओं में वो अपना पूरे समय साधना करते रहते हैं। अभी वो पहाड़ के अंदर गुफा है, मतलब आपको लगेगा सामने पहाड़ है, मगर जब नीचे उतर के जाओगे तो अच्छी लंबी गुफा है, उसमें पानी भरा है। तो मोनासैया जो जगह है वहाँ तुम्हें एक आध साधु मिल जाएगा। अभी सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आ गए हम। डॉक्टर साहब की हालत ख़राब हो गई है, क्या हुआ? डॉक्टर तुम्हारा इलाज कौन करेगा? हमारा इलाज हम खुद ही कर रहे हैं, जा रहे हैं अभी फिजियोथेरेपी कराने। अच्छा। तो सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आ गए हम और अभी यहाँ से जा रहे हैं मोनासैया। जा रहे हैं? हाँ मोनासैया। चल पाओगे ना? हाँ। पसीने छूट गए, पसीना धूल मिट्टी डस्ट पोल्यूशन इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना ही पड़ता है जब आप ट्रैवल करते हैं। मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता हूँ आपको पता है, और ट्रैवल के दौरान मेरे साथ ये प्रॉब्लम हर बार आती है कि मेरी स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है और मेरे बालों पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और जहाँ बात आती है मेरे बालों की, आपको पता है कि मैं किसी भी तरह का कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करता हूँ, ये मैं अपने पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो कुछ दिनों से मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है मामा अर्थ।
तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ मामाअर्थ की इस ऑनियन रेंज से, जिसमें ये तीन प्रोडक्ट आते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की केयर के लिए तैयार किया गया है। तो ये मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल, मामाअर्थ का अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर, ये 100% प्योर नेचुरल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं मामाअर्थ के ऑनियन हेयर ऑयल की, जिसके इस्तेमाल से आपका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनरल ऑयल सिलिकॉन फ्री है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, डर्मेटोलॉजी टेस्ट से अप्रूव्ड है और किसी भी तरह के बालों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आपको पता होगा जो अनियन होता है, प्याज होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, सल्फर, पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, तो वैसे भी वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग उसका रस निकाल कर भी बालों में लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इतना झंझट वाला काम होता है जो आप हर समय नहीं कर सकते। तो इस ऑयल में वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में डाली गई हैं। तो अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका हेयर फॉल तो रुक जाएगा, बालों में अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप खुद वो फील करोगे। और इसे लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, इसके साथ ये कैप किया हुआ है जिसे आप ऊपर लगा लेते हैं तो कॉम्ब की तरह हो जाता है, तो ये आपका जो स्काल्प होता है उसमें बहुत ही आसानी से ये ऑयल अंदर जाता है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, अपने बालों पे इसे अप्लाई करना है, और इसमें जो कॉम्ब लगा है ना, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप फील करोगे कि एक एक तरह से मसाज भी हो रही है आपके स्काल्प की। तो ऐसा नहीं कि ऑयल सिर्फ आपके बालों तक पहुँच रहा है, ऑयल बिल्कुल आपके स्काल्प के अंदर जा रहा है। तो इसे आपको अपने बालों पर ऐसे अप्लाई करके रखना है, आप दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे रात में अप्लाई करके रखिए और सुबह शैम्पू से या कंडीशनर से वॉश कर दीजिए। यह है मामाअर्थ का अनियन शैम्पू और अनियन कंडीशनर, ये दो प्रोडक्ट हैं, इसका इस्तेमाल भी आप इस ऑयल को लगाने के बाद कर सकते हैं। वैसे अगर आपको इन प्रोडक्ट्स का बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको रात में ऑयल लगाना है और सुबह शैम्पू और उसके बाद कंडीशनर करके इसे वॉश कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि पैराबेन एंड SLS फ्री, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है इसमें। SLS एक तरह का अमोनिया कंटेंट होता है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसका इस्तेमाल इस प्रोडक्ट में नहीं किया गया है। तो एक बार इस शैम्पू के टेक्सचर को भी देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है, तो आई एम श्योर ये बहुत ही क्लीन सा होगा, बिल्कुल वाइट शैम्पू जैसा होता है वैसे ही है। ये ऑनियन कंडीशनर है, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में आप इसे देख सकते हो। इन दोनों प्रोडक्ट में एक सिमिलरिटी ये है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब थिक नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है जैसा मैंने बताया। और दूसरी बात ये कि इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है, तो इसका जब इस्तेमाल आप अपने बालों पर करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे इसके इस्तेमाल के बाद। और वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो मामाअर्थ का जो ऑनियन ऑयल है वो 250 ml का बॉटल आपको मिलेगा 599 रुपीज़ में, और शैम्पू और कंडीशनर की बात करें तो ये दोनों बॉटल भी 349 रुपीज़ की आएंगी, मतलब 349 रुपीज़ ईच बॉटल का प्राइस है, और ये भी आपको 250 ml की ही मिलेंगी। और अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, Prashant2021, इसके इस्तेमाल से आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, और ये कोड सिर्फ और सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट पर ही काम करेगा। इसके अलावा भी अगर आप Amazon या Nykaa से जाकर इसे ऑर्डर करते हैं तो आप प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, लेकिन ये कूपन कोड वहाँ पर काम नहीं करेगा। और इन सारी बातों के अलावा एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि जब आप मामाअर्थ से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिंक कर दिया जाता है एक ट्री के साथ, यानी कि उसी समय आप एक ट्री भी प्लांट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मामाअर्थ उस ट्री को प्लांट करता है, और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है नेचर को प्रिजर्व रखने का। अब इनकी बॉटल्स को भी देखिए कितने अच्छे से रिसाइकिल किया जाता है, इन्होंने पीछे यहाँ पर लिख रखा है कि ये प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं और प्लास्टिक वेस्टेज ना हो उस बात का भी ध्यान रखते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आप साथ ही साथ प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और नेचर को प्रिजर्व रखने में आप अपना सहयोग भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी का वीडियो बाकी है, उसे देखो और मजे लो, एंजॉय। अरे आराम से, ज्यादा आगे आगे क्या बनी अपन? देखो हमने मनी को पूछो, मनी को क्या पता? नहीं, हमने पहली बोल यार, ये तुम्हारे भरोसे पे आगे लेके जा रहे हैं। अरे रास्ता है, गाड़ी जा रही है यार। कहाँ गाड़ी जा रही है? चाह नहीं रही है गाड़ी, ये तो ले जा रहे हो इसलिए जा रही है। अरे रास्ता बनी है कि नहीं बनी है? ये बिटिया आ रही है, इससे पूछते हैं, बताइए। तुम्हारा यही है, गोवा गए थे तो 5 साल के बच्चे से पूछा था रास्ता किधर है, अभी आप बच्ची से पूछ रहे हो, क्या बताएगी बिटिया? मोना सही है, कितने हैं? गाड़ी जाएगी, पूछो गाड़ी कहाँ तक जाएगी। बड़ा सा पेड़ लगा, गाड़ी सीधी सीधी चली जाएगी। दिख रहा है कोई आदमी? आदम पूरा जंगल वहाँ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? जंगली जंगल है, और क्या, पहाड़ है पूरा, विंध्याचल के पहाड़ों के बीच में एक जगह ढूंढ निकाली है।
चैन से भगवान को भी नहीं बैठने देता है आदमी। सैया मतलब होता है जिसपे आप लेटते हो ना, तो सैया का मतलब होता है आसन और मौन का मतलब होता है शांति, तो मतलब कि शांति से बैठने की जगह हुई जाके मोना सैया है ना। मोना सैया का मतलब होता है अकेले की शांति है ना सर। रास्ता खत्म है इसके आगे, गाड़ी रोक लेते हैं ना। ऐसा पूछो जरा, गाड़ी जाएगी क्या आगे? नहीं ना, तो मैं घुमा लो, एक काम करो। अच्छा जान दो तो जान दो। अबे देख रहे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। डॉक्टर साहब ऐसी जगह लेकर आ गए, गाड़ी इसके आगे जाएगी नहीं, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर करा दिया। गाड़ी हम यहाँ पे कहीं किनारे लगा देते हैं और बस थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं कि मंदिर अगर दिख जाएगा तो दर्शन कर कर फिर वापस चलते हैं। वो वहाँ पर नीचे मंदिर है, ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसके नीचे मंदिर है कहीं। पंडित जी ये मंदिर है? हाँ, अंदर मंदिर है। यहाँ की कोई खास बात है? हाँ, विशेष बाबा सिद्ध है यहाँ के। हाँ। जो भी है, जिसके भी जो काम होते हैं वो सब सिद्ध, पूरी मनोकामना सिद्ध होती है यहाँ। अच्छा जी, इधर भी मंदिर है? हाँ, ये भी इधर है। यहाँ सिद्ध बाबा बजरंग बली और भोलेनाथ बाबा का मंदिर है। हाँ। गोपा जी ये सिद्ध रहते हैं यहाँ, सिद्ध बाबा हैं। नमस्कार बाबा जी, तो बताइए कुछ विशेषता बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में श्री श्री 108 श्री श्री जटा शंकर मोना सैया धाम, यहाँ प्रकृति ज्योति जल रही है, आज लगभग 60 वर्ष से हमारे गुरु महाराज ने जागृत की उसको। पंचमुखी यहाँ हनुमान जी हैं, पंचमुखी भोलेनाथ हैं, यहाँ पार्वती हैं, यहाँ शनिदेव महाराज हैं, यहाँ गणेश भगवान हैं पुराने सतयुगी, यहाँ गंगा माई की कभी कमी नहीं पड़ती है। हम लोग साधु हम किसी के द्वार मांगने नहीं जाते हैं, और जो भी यात्री श्रद्धालु आते हैं उनको हम अपना भंडार से खिलाते पिलाते हैं, और हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे, हम श्रद्धालु के लिए मांग रहे हैं। आज जंगली एरिया है, किसी का वाहन कोई हर कोई गरीब से गरीब के पास वाहन हो गया, अब रोड रास्ते में खराब है, अगर खराब हो जाएगा तो उसको बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए हमारी तीन चीज़ की ज़रूरत है सरकार से मांग, कि हमारे रोड बनवा दें 2-3 किलोमीटर का, और लाइट लगवा दें, और जो कुंड बनवा दें। हमको कोई मोह नहीं है तुम्हारी किसी धन दौलत मोह से, जो आ गया उसी में आनंद है, नहीं आ गया तो आनंद है। तो आपने परिवार अपना साहब, हमने बचपन से बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने अपना भाई मात पिता सब त्याग दिए, हमको कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है उनके बारे में किसी को? हमें कोई याद नहीं है, ना हम याद कभी करते हैं। तो आप अकेले हैं या और भी? अब तो हम अकेले ही हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता रात में कुछ? अरे सब मालक की कृपा है, जो लगे सो लगे या नहीं लगे सो। पर यहाँ जंगली जानवरों का कोई हमें डर नहीं है, जब उस मालक के हम शरण में हैं, भगवान के शरण में हैं, तो हमारी रक्षा तो भगवान ही करते हैं। चलिए बाबा जी, धन्यवाद बात करने के लिए, आपकी मनोकामना जो है पूरी होगी। हाँ जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बोलो जटाधारी महाराज की जय, बोलो सिद्ध गुरु महाराज की जय, बोलो मोना सैया धाम की जय, हर हर महादेव। तो बस बाबा जी से मुलाकात हो गई और अच्छा लगा मिलकर, और पहले मुझे लगा नहीं था कि मैं नीचे तक आऊँगा, ऊपर से सोचा था कि हाँ निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे तक आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था पहाड़ियों के बीच से होते हुए। सामने एक पंडित जी मिल गए, उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं नीचे तक गुफा तक आपको लेकर चलता हूँ। और ये देखो, इन्होंने बंदरों से बचने के लिए ऊपर ऐसा जाल लगा रखा है दरवाजे पर। चलो भाई, चलिए पंडित जी शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आने वाला था नहीं नीचे, आपको देख लिया तो आपके साथ आ भी गया। जय हो सिद्ध बाबा। चलिए बाबा जी जय हो, ओम नमः शिवाय। चलो भाई, मोना सैया के भी दर्शन हो गए। डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से हमारा। बाबा जी बोले खाना खुद बनाओ और खा लो। मैंने कहा भैया फिर कभी आएंगे, इतनी पहाड़ी चढ़ कर आए, अभी कुकिंग तो ना होने वाली हमसे। अब हम जा रहे हैं ये जटाशंकर का दूसरा रास्ता, हम लोग वहाँ से लेफ्ट टर्न ले गए थे, अब ये रास्ता जो है ये वापस ऊपर चढ़ के जाएगी। तो यहाँ हम जा क्यों रहे लेकिन?
एक यहाँ पे तुमको दिखाएंगे, यहाँ पे तीन सींग वाला एक बैल है अगर मिल जाए तो। हाँ। वो केवल यही है जिसके तीन सींग है ओरिजिनल। अरे हाँ यार, ये तो यूनिकॉर्न है। हाँ। ये देखो तीन सींग वाला बैल। कैमरा खींचो मोबाइल के, मोबाइल से कर लें। तो इतना यूनिक है कि यहाँ पर मना किया है उसका, फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, फ़ोटो नहीं ले सकते। दादाजी क्या उनके तीन आँख हैं और तीन सींगे भी हैं? हम पता है हम कहाँ से आए, मुंबई से आए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत दूर दूर से घूमते हुए, ये सब ट्रैवल जो घूमते हैं ना, घूमते घूमते उसके वीडियो बना रहे हैं और इंटरनेट पर डालेंगे कहाँ पर क्या क्या होता है। अच्छा, तो बना लो, बना लें फिर आप, पता चलेगा यहाँ के बारे में कि जटाशंकर में एक ऐसी अद्भुत चीज़ है। हाँ, इस वजह से हम कर रहे हैं। चलिए कर लें, आओ फिर आप साथ में चलो, आपके साथ। अरे आ, हमें कहा है। अरे आओ आओ, अरे हमें मंगाया थे। मारत है बैल, मारत है। तो यार उसके पास जाएंगे तो होंक देगा वो। एक काम करते हैं, हाँ 50 mm से दिखाते हैं, जो शॉर्ट्स आएंगे अच्छे आएंगे। बढ़िया टेस्टी है। इसमें अमरूद की चटनी बना के डाली है। हाँ, ये अमरूद की चटनी मिलती है यहाँ पे। तो खट्टा मीठा है ना इसका टेस्ट? मीठी और खट्टी दोनों है। जटाशंकर मंदिर के ठीक बाहर दुकान है, यहाँ से हमने समोसे लिए। डॉक्टर साहब अंशु भैया हमारे बता रहे हैं कि बहुत सही समोसे होते हैं यहाँ के, पहले खाए इन्होंने। यहाँ की खास बात ये है कि जो चटनी है ना, ये अमरूद की चटनी बनी हुई, तो खट्टी मीठी चटनी है, बड़ी टेस्टी है। क्या बात है, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म ऑयल थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा। तुम नहीं खाओगे? जो गर्मा गर्म में कोरोना नहीं होता, गर्म खाने में कैसे कोरोना होगा, वायरस है वो तो, हीट हो रहा है गर्म गर्म। खैर अपनी रिपोर्ट आएगी थोड़ी देर में, पता चल जाएगा। रिपोर्ट आ चुकी है। आ चुकी है, क्या बात कर रहे हो? हाँ, रिपोर्ट आ चुकी है। क्या हुआ? दोनों लोग निगेटिव हैं। हाँ, दोनों लोग निगेटिव हैं। सुना, बताओ डॉक्टर साहब। आप दोनों की रिपोर्ट आ चुकी है, आप दोनों लोग निगेटिव हैं। अभी जस्ट मैसेज आया। तो हमारे मोबाइल पे आएगा मैसेज? अभी आपके मोबाइल पे आ गया होगा, आपने चेक नहीं किया। अभी देखता हूँ यार मैं। मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो तुम दोनों भी पॉजिटिव होगे। नहीं, सभी लोग निगेटिव हैं। तो इसमें पता कैसे चलेगा, कहीं पे लिखा है निगेटिव है? ये जब हम आएंगे क्वारंटाइन फैसिलिटी में, तो उसमें लिखा है नो, यानी आपको छोड़ दिया गया है, आप निगेटिव हो इसलिए आपको छोड़ दिया गया। अगर पॉजिटिव होते तो यहाँ पे टिक लिखा आता, यस आपको हमने हॉस्पिटलाइज में या घर पे क्वारंटाइन कर रखा है। तो कोविड टेस्ट सुबह जो कराया था उसकी रिपोर्ट हमारी निगेटिव आ गई है, बहुत खुशी की बात है। जब हम मुंबई जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इनकेस अगर हमें रोका गया तो बॉर्डर्स पे। एमपी में आने के बाद हमारा जो आज का दिन था बहुत ही अच्छा रहा, एक दो जगह हमने एक्सप्लोर कर ली, एक दिन में जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने दिखाने की कोशिश करी। बाकी कल की जो अपडेट होगी आपको कल ही पता चल जाएगी, मतलब अगले वीडियो में। और आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हो गाइस तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाना, अगर कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो रेड वाला बटन है लेफ्ट राइट जहाँ पर भी हो दबा कर जाना, ठीक है। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो। खजुराहो नाम सुनते ही सबसे पहले लोग को दिमाग में यही आता है कि कामासूत्रा है और उस वजह से मंदिर को लोग देखने आते हैं, यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा भी हर एक मंदिर की अपनी कहानी है, हर एक मूर्ति का एक अपना एक इतिहास है। यह इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग हम कह सकते हैं और इकलौता हिंदुस्तान का मंदिर है जहाँ पर योनि पर हम चढ़ते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।